दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर हम जो चीजें देखते हैं उसे देख दुनिया से इंसानियत खत्म होने जैसा आभास होता है। इंटरनेट पर आजकल ऐसे बहुत कम नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर इंसान दिल से खुशी महसूस कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पर ऐसी ही चीजें हैं, नहीं, इसके लिए आपको बस सही जगह देखने की जरूरत है। तो आज फैक्ट जिनी ने आपके लिए ऐसे कुछ दिल पिघला देने वाली घटनाएं लाने का विचार किया जिन्हें देख आपका दिल सचमुच में पिघल जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप अपने चैनल फैक्ट जिनी को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा देना। दोस्तों, हाल ही में मई 2021 के दौरान पंजाब के लुधियाना से एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें देखा गया वन सिंह नामक एक 10 साल का बच्चा अपना घर चलाने के लिए सड़कों पर रुमाल बेच रहा है। बच्चे ने बताया उसके माता पिता घर पर ही रहते हैं, सिर्फ वो और उसका भाई ही उसके परिवार में कमाते हैं। वहीं जब उसे पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो उसने बताया वो पढ़ाई नहीं करता। इस मासूम और मेहनती बच्चे की क्लिप देखते ही देखते इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसके बाद उसकी क्लिप पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मिली। सीएम अमरिंदर सिंह ने इस बच्चे के क्लिप देखते उसके साथ वीडियो कॉल पर बात की और उसे 2 लाख रुपयों की तुरंत सहायता राशि देने का प्लान किया। मुख्यमंत्री की ऐसी नेक दिली ने पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया। कोई गल नहीं बेटा, तुसी हुण जाके मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कहूंगा थोनू स्कूल वापस पाउण और थोड़ी थोड़े परिवार की मदद मैं करूंगा, ठीक है। दिसंबर 2017 में अमेरिका के रोड आइलैंड की रहने वाली चेल्सा सिल्वेरिया नामक एक महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। दरअसल चेल्सा की 6 साल की बेटी रायली सिल्वेरिया एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रही थी जिसके चलते उसके सिर के सारे बाल उड़ गए और वो गंजी हो गई। अब एक दिन बच्ची गंजेपन से दुखी होकर अपने पिता से कुछ इस तरह लिपट कर रोने लगी। इस बात पर पिता ने उसे समझाते हुए बताया कि बाल तो कुछ मैटर नहीं करते, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। Okay. I know you would like to have hair. Daddy wishes you could have hair too for you, but I love you the same no matter what, and so does mommy, and so does everybody else. It doesn't matter if you're bald or if you have hair. और इसके बाद बेटी को अपने साथ वॉशरूम में ले गए और अपने बाल काटकर खुद भी गंजे हो गए। डेविड और उसकी बेटी की प्यारी बातचीत पर हर किसी का दिल पिघल गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार के साथ प्यार करते हैं तो हमें कमेंट में बताना। हाल ही में 31 मई 2021 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप ने दुनिया भर में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। ये वीडियो कैलिफोर्निया के रहने वाली हेले मॉर्निगो नामक एक 17 वर्षीय लड़की के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई जिसमें देखा गया एक भालू हेले के बैकयार्ड में घुस जाता है और जिसे देख हेले का कुत्ता और उसके पपीज उससे भगाने आते हैं। लेकिन तभी अचानक हेले की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो भालू उसके प्यारे पपीज को उठाकर ले जाएगा। ऐसे में हेले ने तुरंत फुर्ती दिखाकर भालू के सामने दौड़ लगा दी और उसे पीछे धकेल कर पपी को उठा लिया। हालांकि इस दौरान हेले को भालू मामूली जख्मी दे गया, लेकिन इसे अपनी जान से ज्यादा अपने पपीज की जान की फिक्र थी। अपने पपीज को बचाने वाले हेले को पूरी दुनिया भर में सराहा गया। अगस्त 2015 के दौरान टर्की के इस्तांबुल में घूमने आया एक टूरिस्ट अपने किराए की कार को समंदर किनारे पार करने के बाद हैंड ब्रेक लगाना भूल गया जिसके चलते कार चलने लगी और दीवार से आगे निकलकर समंदर में गिरने वाली थी। और तभी वहां के आसपास के लोग कार के बोनट पर बैठ गए ताकि कार समंदर में ना गिरे। ये लोग इसी तरह से कार के बोनट पर बैठे रहे जब तक कि रेस्क्यू टीम वहां पर नहीं पहुंची। इसके बाद कार को बाहर निकाला गया। दोस्तों, एक अनजान शख्स के लिए इतना कुछ करने वाले लोगों के लिए 1 लाइक तो बनता है। ये बात है कैलिफोर्निया के रहने वाली कश्मीर हिल नामक एक न्यूज़ रिपोर्टर की जिन्होंने यूंग चेन नामक एक ढाबा चलाने वाले व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। हुआ ये कि 2013 में कश्मीर ने एक ढाबे में खाने के बाद पैसे न होने के कारण डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन से खाने का भुगतान करने की सोची और 10 बिटकॉइन देकर वो वहां से चली गई। यानी कि 8 साल बाद यानी कि आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 27 लाख रुपए पहुंच चुकी है। और यूंग और ये महिला दोनों ने ये बात नेव एजेंसी से शेयर की। अनजाने में ही सही, लेकिन यूंग को करोड़पति बनाकर महिला को पछतावा तो हुआ, लेकिन जो भी हो, मोहतरमा ने अपनी हरकत से पूरी दुनिया भर का दिल जीत लिया।
आमतौर पर हम देखते हैं कुछ नकारा पुलिस ऑफिसर्स को देखकर पूरी पुलिस कम्युनिटी को ही कोसा जाता है, लेकिन ये अगला वाकया उन सभी लोगों की सोच को झंझोड़ कर रख देगा। हुआ यूं कि अक्टूबर 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के सैदपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जय किशोर अवस्थी अपनी जीप से जा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी महिला रास्ते के बाजू में बैठी है और चलने में असमर्थ थी। महिला असल में किसी नेक दिल व्यक्ति की ही राह तक रही थी और जय किशोर अवस्थी उनके लिए वही नेक दिल व्यक्ति बन गए। घर पहुंचाने के बाद उन्होंने महिला को उठाकर उसके घर तक पहुंचाकर बड़ा ही नेक काम किया, इसलिए अयोध्या पुलिस ने भी उनका ये वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर दिया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। ये वाकया तब देखने को मिला जब अमेरिका के जेमी पेरुगिनी 2010 के दौरान जब अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने रास्ते में देखा एक महिला की कार सड़क से नीचे उतरकर लगभग गिरने ही वाली है और कार में बैठी महिला नीचे उतरने में डर रही है। महिला को इसलिए डर लग रहा था कि कहीं उसकी हलचल से उसकी कार ही नीचे न गिर जाए। ऐसे में उस बाइकर और एक अन्य आदमी ने उस महिला को बिना समय गंवाए बचाने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर कार को अपने हाथों से पकड़ा। इसके बाद महिला शांति से बाहर आ गई और रेस्क्यूअर्स का इंतजार करने लगी। वहीं बाइकर और दूसरे व्यक्ति की नेक दिली ने हर किसी का दिन बना दिया। ठीक इसी तरह अमेरिका के एक और यूट्यूबर लुवेनेको सेनपाई ने रात के समय सुनसान रास्ते पर से जा रही एक अकेली नशे में धुत लड़की को किसी अनहोनी घटना का शिकार होने से बचाया और अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक पहुंचाया। Yeah, absolutely. Oh, hugs and everything. Wow, wow, wow. You smell fantastic. Thank you. Thank you. Okay, have a good night, love. हाल ही में 20 मई 2021 के दौरान जेसिका फाय उंदा नामक एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जो देखते देखते वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया कि बतख का परिवार सड़क पार करने की कोशिश में था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो सड़क पार नहीं कर पा रहा था, मगर जेसिका ने अपनी कार से उतरकर उन्हें रास्ता पार कराया। वहीं 2021 के दौरान म्यांमार के यांगून शहर के एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसके दौरान एक महिला बिल्डिंग में फंसी रह गई, लेकिन खुशकिस्मती से यहां पर एक असली जिंदगी का सुपर हीरो मौजूद था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत बिल्डिंग में चढ़कर खिड़की से महिला को सुरक्षित बचा लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए, और पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और चाहते हो इस वीडियो का अगला पार्ट तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।